ओम शांति। आज की बाबा की साकार मधुर मुरली है 30 मई 2022 की। आज की मुरली के सार में बाबा ने एक बात क्लियर करते हुए कहा कि बाबा आए हैं सभी आत्माओं की शुद्ध कामनाएं पूरी करने के लिए। अशुद्ध कामना रावण पूरी करता है। और अटेंशन दिलाते हुए कहा कि श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। अर्थात इस समय बाबा की याद में रहे विकर्म विनाश नहीं किया तो अंत में माया के भूत परेशान करेंगे। और कहा कि धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं कि बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ व अपकृपा करना है। फिर कहा कि इस समय सभी आत्माएं दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे बाबा आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो, सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनवान बनाओ, क्योंकि एक बाप ही सुख का सागर शांति का सागर है ना। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। मैं हूँ ही सुखदाता, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। फिर कहा कि अगर परमात्मा दुख देते हैं तो परमात्मा को क्यों बुलाते हैं कि हे परमात्मा रहम करो क्षमा करो। फिर बाबा ने ज्ञान का गुह्य राज समझाते हुए कहा कि एक सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त ब्रह्मा है और दूसरे यहाँ व्यक्त ब्रह्मा है, लेकिन शिव बाबा व्यक्त ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं क्योंकि व्यक्त को ही अव्यक्त फरिश्ता बनाते हैं और ब्रह्मा बाबा को हम बच्चों के सामने साकार एग्जाम्पल बनाई हम बच्चों को भी फरिश्ता बनाते हैं। फिर अजपा जाप का भावार्थ बताया कि आत्मा दिल में अंदर एक बाबा की याद में एक बाबा की लगन में मगन रहे, एक बाबा दूसरा ना कोई, यही अजपा जाप है। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। आज मुरली में प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत है करके घर ले जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर न चले तो यह मरे, धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं, बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो, ऐसा न हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अपकृपा करना है। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही जग के रखवाले हो। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते, बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। दूसरा, विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसे हैं तो सेंटर खोल, अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल हैं ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो, सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपने मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले, हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।